अपनी स्पार्ट आर्म निकालते हैं अपना हैवी बाइक, और अपनी हैवी बाइक का हेलमेट ये पड़ा हुआ है ये भी उठाते हैं, और इब्राहिम बेचारा अभी भी बीमार है यार। तो अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक अगेन विद माय अनदर व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। और बस अभी ये सीन है कि मैं जा रहा हूँ भाभड़ा में खाने बाज़ार, वहाँ पर है बहुत ही मज़े उधर की मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन एक उधर थोड़ी ऊपर ऊपर से बनाई थी, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर तरीके से आपको बना के दिखाऊँ, ठीक है। तो अभी बस ये सीन है कि मेरा जो बूट है उस बूट में मेरा मसला ये हो गया, उसमें मतलब कील है, बाहर से देखो ना नज़र नहीं आ रही, ये देखिए ये मेरा बूट है ना, तो वो इधर से नज़र नहीं आ रहा, अंदर कील है, पता नहीं कैसे हो। मैं मोची के पास जाता हूँ, मोची से कहता हूँ भाई मुझे बताया क्या इसका है, उसे कर दे तो ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि कील है पाँव में लग गया ना, बहुत नकीला कील है तो जख्मी हो जाएगा पाँव मेरा, आगे कर गया ना ऐसे जब चलता हूँ नहीं नज़र आता, लेकिन कभी भी पाँव अंगूठा या कुछ आगे गया तो उसमें चुप जाएगा वो। तो ये सीन है, बस जल्दी निकलते हैं, अभी कोई टाइम हो रहे हैं, आई थिंक सो तीन बज रहे हैं, तो पहुंचता हूँ, देखता हूँ क्या सीन होता है, वहीं पर जाते हैं। और आपने ना सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक और कमेंट आपने ज़रूर करना है, ठीक है, वो आपने ज़रूर करना है, ये आपका काम है, मेरा काम है कुछ चीज़ें दिखाना, ठीक हो गया। तो चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी जो आप लोग मेरे पीछे बाज़ार देख रहे हैं ना, ये सारा भाभड़ा बाज़ार है, जिस बाज़ार में ये सीन है कि यहाँ पर बाइक्स की शुरू में दुकान है, यहाँ पर से बाइक ठीक होते हैं, इस तरह से आगे हम जाएंगे तो सराफा बाज़ार शुरू होगा, उसके दरमियान में एक डूंगी वाला है जो डूंगी बनाते हैं, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो अभी मैं बाज़ार का आपका लुक दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना एरिया, ये सारा का सारा जो है ना ये मोटरसाइकिल्स का, और ये भाभड़ा बाज़ार वाली गली है, ठीक है, रोड है, वहाँ से आप आगे जाएँ तो सफारा सराफा बाज़ार है, और दरमियान में बूंदी वाला है जिसके पास मैंने जाके वीडियो बनानी है। तो यहाँ मैं इसलिए रुकूँ कि आपको पहले दिखा दूँ कि ये बाज़ार है, ठीक है, ये छोटी छोटी यहाँ पर गलियाँ सारी बनी है, यहाँ पर सिर्फ बाइक्स का, जो मेरी बाइक्स हैं इससे की बाइक्स एंड बाइक्स का काम होता है, देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी, तो ये आप जो पूरा बाज़ार देख रहे हैं ना ये वही बाज़ार है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, आप सब ये देखें हालात, और ये सारा का सारा भाभड़ा बाज़ार और इंदर राजा बाज़ार है, दी ओल्डेस्ट टाउन ऑफ रावलपिंडी, जो कि हिस्ट्री है पूरी, आप देख सकते हैं सारे के बाज़ार हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, घरों का आप देखें, ये आप सिर्फ घर देखें, सारे छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं, ये सारा का सारा बाज़ार है, और ये ओल्डेस्ट बाज़ार कह सकते हैं। अब मैंने आगे बूंदी वाले के पास जाना है, और आप ये देखें घर सिर्फ देखें, इधर ये घर है, ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं ना ये सारा का सारा शुरू हो गया है, सफारा सराफा बाज़ार आ गया है, ये है अभी भाभड़ा बाज़ार, ठीक है। इस भाभड़ा बाज़ार में ये देखें, इनके पास मैं पहले भी आया था, इनकी मीठी बूंदी जो थी सबसे मशहूर है, इनके पास मैं पहले आया था, इनकी वीडियो बनाई थी लेकिन सही तरीके से ही बना सका। और अंकल आप सुनाएं, ठीक ठाक है बिल्कुल? आप ठीक है? हाँ ठीक ठाक। अंकल ने कहा था कि आपने ज़रूर आना है आगे, फिर समय का चले, इंशाल्लाह हम फ्री होंगे तो ज़रूर आगे आपके साथ हम वीडियो बनाएंगे। तो ये इधर इनका शीरा तैयार हो रहा है, और वो बूंदी तैयार होती है जो पीछे पड़ी है, इनको मीठी बूंदी कहते हैं इसमें। अगर आपके पास क्या क्या होता है? बूंदी होती है, जलेबी बना रहे हैं। अच्छा, अभी ये जलेबी क्या है? ठीक ठीक ठीक, ये जलेबी का शीरा तैयार है, सही सही सारा कुछ होता है यहाँ पर, ठीक ठीक ठीक, ये यहाँ पर इनका तैयार सारा कुछ होता है। और इनकी मैं पहले भी फुटेज बनाई थी जब इनकी बूंदी बांध रही थी, तैयार हो रही थी, 5 बजे सारा सेटिंग हो जाती है इनकी, ये देखे, हाँ ये देखे, ये इनका सारा ठीक है, मीठी बूंदी है सारी, स्पेशल लोग है आपकी जगह देखते हैं। आगे जो बाज़ार है ना सराफा बाज़ार है, जहाँ मेरा चक्कर लगता है, उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये सारा जो है भाभड़ा बाज़ार वाली साइड है, और वो वहाँ तक आके भाभड़ा बाज़ार है, छोटी छोटी गलियाँ बनी, हर चीज़ बनी है, यहाँ पर सारे ज्वेलर्स आपको नज़र आएंगे, हर किस्म के ज्वेलर्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद आपको नज़र आएंगी, इस तरह की सारा कुछ। तो अंकल कब तक तैयार हो जाएगी बूंदी आपकी? पूरे 5 बजे रेडी हो जाएगा सर, कुछ चिया लगा होता है, सही सही सही, 5 बजे अगर आना हो तो आप भाभड़ा बाज़ार वाली साइड से आएंगे, मेन ना बनी से पीछे एक गली आ रही है भाभड़ा बाज़ार वाली, अब वहाँ से आएंगे, वहाँ से सीधा आने के बाद सीधा सीधा आएंगे बिल्कुल दरमियान में, वहाँ से आगे सराफा बाज़ार शुरू होता है, बिल्कुल उसके मिड में जब आप आएंगे ना तो ये इनकी दुकान आपको शो हो जाएगी। वो कितने साल हो गए यहाँ पर? 12 साल हो गए बनाते हुए, तो लोग आते हैं खाते पीते हैं, सही सही निमको के लिए, सही 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 सही। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता क्या सबसे अच्छा मिलता है, सुबह का जो होता है नाश्ता? हाँ वो हलवा पूरी यहाँ पे
मशहूर है, कौन सी दुकान है? ये बाबू हलवाई है यहाँ पे। और एक आगे है बाबू हलवाई, कहाँ पर है ये? बोल हाँ ठीक ठीक, साथ में होटल है, होटल हाँ, साथ ही है बाबू हलवाई। ठीक बंद हो गया है। ठीक 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 ठीक, सुबह के टाइम खुलता है, सुबह के टाइम सही। हाँ तो सही, तो रश है, हाँ वो है साथ में शबकत होटल है। ठीक है ठीक, शबकत वही पुराने, वही पुराने सही सही सही। तो उसके साथ आगे बाबू बाबू हल है। ठीक ठीक, वो भी जनाब पुराने सही सही सही। तो ये बड़ा हुआ मेरी बूटी खा के बड़ा। अच्छा अच्छा सही सही, शेख रशीद साहब। ठीक ठीक, तो वो आते रहते हैं इधर बूंदी शूंदी खाने, शेख रशीद आते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक ठीक, तो ये इलाका ही वही है ना सारा, सारा वो इलाका पुराना इलाका है सारा। हाँ सही सही सही, घर है हाँ पीछे घर है, मैं देखा ये हाँ यहीं पर है। तो जी इनकी दुकान थी, और इंशाल्लाह आप किसी दिन आएंगे, इनकी बूंदी खाने भी 5 बजे इंशाल्लाह जरूर आएंगे। 5 बजे कहते हैं हमारा आरसी सेटिंग सारा कुछ हो जाता है, और बाइक खराब है तो चलते हैं। अब हम किसी और जगह जाके देखते हैं क्या सीन है। हम चलते हैं तो आगे देखेंगे होटल्स से बने हुए, फिर समोसे और ये चीज़ें सारी सारी चाह रही हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारा कुछ हो रहा है इधर, कोई फ्रूट और पुराना ये भी होटल है, और ये पकौड़े समोसे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ये देखें ये पकौड़े समोसे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? और ये कब की आपकी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? काफ़ी पुरानी है। और ये कौन से समोसे हैं, चिकन वाले या आलू वाले? आलू वाले। तो कितने के हैं, कितने के? 30 का एक है। ये पकोड़े समोसे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, ये रोल्स भी बने हुए हैं। और ये क्या चीज़ है, पकोड़े हैं? और ये क्या है, ये क्या चीज़ है साथ? मिर्ची। अच्छा अच्छा मिर्चे भी हैं। ये देखें जी, ये इनके पकोड़े और समोसे सारे तैयार हो रहे हैं। और ये वही सेम ये कि गली आ रही है, बाबड़ा बाज़ार वाली गली आ रही है और ये चलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी काम शाम यहाँ पर चाह रहा है, यहाँ पर लोहे के काम शाम सारा कुछ हो रहा है, वो लगे हुए बनाते हैं। वो देखें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये देखें यहाँ पर बोलते हैं पॉलिश हो रहे हैं, ये पॉलिश कर रहे हैं सारा कुछ। ये बाइक की भी दुकान है, और सामने ये जो है ना बर्तन जो पुराने होते हैं इनको पॉलिश करते हैं, और लोग से खरीद कर लेकर जाते हैं साथ साथ सारा कुछ। वाह, और ये गली पूरी इसी की है, ज्वेलर्स की। यहाँ पर एक दो नाश्ते वाले भी हैं, और इसी तरह यहाँ पर ये सारा सीन सीन है। तो चलते हैं जी, बाइक अपना निकाल कर हम लोग आगे यहाँ से, ये बाइक अपना आगे, ये बाइक चले जरा, फिर मैं आऊँगा इंशाल्लाह 5 बजे आता हूँ मैं सही है, तो आज नहीं तो या कल मैं चक्कर ज़रूर लगाऊंगा। ठीक है, तो आपकी इंशाल्लाह उस वक्त भी बनाएंगे। हाँ दे है तो दे दें थोड़ी सी, खबरें भी लगी हुई आप देख सकते हैं। कम बैग है, अपना ग्रुप लेके आ रहे हैं, पावर है। नहीं तो इसने बात बंद कर दी ने? नहीं अभी नहीं किया। नहीं यार, डी चौक, ये डी चौक जो उन्होंने खाली करवाने के लिए 5 बजे अच्छा अच्छा तक का टाइम दिया। हाँ 2 बजे डी चौक सही सही हुकूमत ने। अच्छा उन्होंने क्या, उन्होंने क्या कि जनाब जी डी चौक जाना, डी चौक खाली कितने हो गए अंकल, कितने हो गए, कितने हो गए पैसे, कितने? नहीं नहीं ले रहे, कितने हो गए? बहुत शुक्रिया अंकल आपका, अंकल हमें फ्री में दे रहे थे, कहते हैं आप चखें कर चक्कर। हाँ हाँ सही सही, दूर दूर से आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें एक और छोटी गली, और इतने बड़ी बड़ी इमारतें मैंने यकीन माने पहली बार देखी हूँ, इतनी पुरानी वो भी खड़ी हुई। ये देखें सिर्फ दरवाजे आप देखें, ये दरवाजे होए पुराने दरवाजे लकड़ी के लगे हुए, ये देखें पुरानी गलियां सारी की सारी हुई, पुरानी छतें बनी हुई हुई पुरानी, छोटी छोटी गलियां, और मतलब कि एक हिस्ट्री है रावलपिंडी में। पिंडी आते हैं ना तो रावलपिंडी की एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब कि यहाँ पर लोग पुराने तरीके से रह रहे हैं, वो ही सारा है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री का फूड मिलेगा, हिस्ट्री के खाने मिलेगा आपको यहाँ पर, और ऐसी जगह जैसे समझ लें आप जंगल होते हैं, जंगल में चलेगा तो पुराने घर और सही चीज़ें बन रही हो। तो अभी मैं उसी जगह खड़ा हूँ, इनके लिए दरवाजे आपको दिखाऊँ तो आप रहा इतने पुराने। कितने पुराने मल्ले हैं और कितनी पुरानी यहाँ पर हिस्ट्री है, और ये पानी से ऊपर इतनी पुरानी यहाँ पर हिस्ट्री है, और मल्ले भी पुरानी गलियाँ मतलब ये भी कच्ची गलियाँ यहाँ पर, कहते हैं शेख रशीद भी इन्हीं मल्लों में फिर सकते रहे हैं, उधर भी खाना पीना खाते हैं, तो बड़े मशहूर होटल भी हैं। होटल में इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊँगा, और पुराने घर हैं यहाँ पर, पुरानी आर्टिफैक्ट्स से मतलब कि ना खूबसूरत डिज़ाइनिंग मेरे सारे ज़मानों में हुआ करती थी, ये सारा कुछ यहीं पर भी है। तो आज मेरा ये वाला ब्लॉग उधर भी था, दूसरा दूसरा अंकल जो है उन्होंने मुझे बूंदी भी दे दी कि आप अंकल बूंदी भी खा लेते हैं, और क्रीम मुझे दी उन्होंने मिठाई में जाकर। तो अभी इनका 5 बजे सेशन ऐसे शुरू होता है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ था इसलिए मैं निकल आया, अभी दूसरी तरह गली में हूँ, अभी इस गली से वापस बाहर निकलूँगा, बाहर निकल के मैं घर चलता हूँ।
तो मेरा ब्लॉग जो है हमेशा इस तरह का होगा कि डेली ब्लॉग होगा और बीच में इस तरह की पुरानी चीज़ें भी होंगी। मैं आपको ना एक और शॉट दिखाता हूँ, आर्टिफैक्ट्स जो है घर की दरवाजे वो मेरे पास। ये आर्टिफैक्ट्स देखिए कितने पुराने हैं, देखिए लकड़ी के इसमें तैयार शहर हुआ हुआ। हाँ जी, आपसे ये घर देखें, इनकी डिज़ाइनिंग आप देखें, सिर्फ ये देखें, इनमें फूल इतने खूबसूरत थे, आज से भी पहले कभी होते थे ये नहीं पता था हमें। ये अलग घर देखिए आप, ये देखें इनकी वॉल्स की पुरानी ईंटें हुई लगी हुई, पुराने घर कोई डिज़ाइन हुआ वैसे का वैसे ही सारा। और ये इतने ऊंची इमारतें और पुरानी इमारतें, खिड़कियाँ बनी हुई पुरानी और लकड़ी की खिड़कियाँ सारी, ये आप देख सकते हैं लकड़ी की खिड़कियाँ सारी। और इसी तरह पिंडी पूरा इन आर्टिफिश मतलब के इलाकों से भरा हुआ, सारा भाभरा बाजार का एरिया है। वो सामने गेट है, छोटा सा गेट बना हुआ, ठीक है, जो इस गली में एंटर होने के लिए होता था पुराने ज़मानों में। वो देखें वो गेट छोटा सा, तो चले चलते हैं। यार मैं तो इतनी पुरानी छोटी गलियां देखकर हैरान रह गया, मैंने कभी इस तरह की बहुत कम देखी थी मोहल्लों में। और अब ये देखें क्या पुरानी आर्टिफैक्ट्स, ये देखें ओए ओए हो, पुरानी की पुरानी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी पिंडी में। मजबूत घर, पुराने घर, ये देखें आप ऐसे जैसे कि पुराने ज़माने में हम मूवीज़ में देखते हैं सभी चीज़ें। सिर्फ हमेशा चलते हैं घर, और मैं यहाँ पर वीडियो शूट बनानी थी पूरी बना रही है। आप यहाँ पर भाभरा बाजार में कवर हो गया, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट में जाऊँगा, आई थिंक सो ग्रेटिस एरिया इस जगह। तो बस इसमें आप चलते हैं घर, घर जा कर के दो काम करने और ब्लॉग भी एंड करने। तो चलें चलते हैं पहले घर, और आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी मैं पहुँच रहा हूँ जी जमजम, यहाँ से मेरी फूड शर्ट लेनी थी, मैं पहले आगे चला गया था, मैं वहाँ से ना सीधा चला गया आगे, कोई याद ही नहीं रहा मैंने यहाँ से लेनी। मैं वापस उधर से आया घूम के, और घूम कर वहाँ से वापस आया हूँ, फिर यहाँ पर आगे फिर जमजम आया हूँ। तो इनको ऑर्डर दे देते हैं कि हमें फ्रूट चाट खाते हैं रेडी। हम इनमें से जो लेनी है ना, हमने दही भले फ्रूट चाट 140 120 वाली कौन सी है, महंगी खाती कौन सी थी। उस दिन जो हमने खाई थी ना, वो हमने खाई थी दूसरी चाट, फ्रूट चाट, उसमें दही डली थी, इसमें उसमें क्रीम है वो, लेकिन क्रीम नहीं थी वो। अब हमने मंगवाई है क्रीम चाट, वो सो अब क्रीम चाट मैंने मंगवाई है, देखते हैं कैसे थी। मैंने दही वाली खाई थी तो मैं सोचा क्रीम वाली है, तो वो थी दही वाली। वहाँ वो बना रहे हैं, और ये मैंने ऑर्डर की क्रीम चाट। उस दिन हमने मैं फ्रूट चाट खाई थी सिंपल, किसी को 140 खाई थी, महंगी क्यों होगी। दुकानदार देखिए वो बना रहे हैं सारा, इनका ये सिस्टम है और बैठने का सिस्टम। और हेलो, आपने पंखे ऑन कर दिए वायर, वायर तो जरूरत ही किसी को। और ये जो है इनकी, ये जो है वो वाली है, क्या कहते हैं, बैठने की जगह। उन्होंने बाहर पंखा ऑन कर दिया तो सारी उड़ जाएगा, किसी भी लंबा हुआ से तो सारी गायब हो जाएगा। तो ये भाई पंखे बंद करें, मतलब हम गए वहाँ पर फारग हो जाएंगे हम लोग। तो एक कवरेज चल रहा है। आज मैंने ली है क्रीम चाट, और ये मेरा बाइक खड़ा हुआ है, चलते हैं घर की तरफ। यार मैंने इसलिए अभी क्रीम चाट ही ली है क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब है, बहन की भी ख़राब है, मेरा भी दिल कर रहा था तो वापस मुड़ा स्पेशल में ले रहा था कि मामा भी खा पी लेगी तो उनका पेट से भर जाएगा। फ्रूट है इसमें, क्रीम है और दूध है, और पता नहीं क्या कहते जैम है, बड़ा अच्छा सा है कॉम्बिनेशन। मैं वो घर जाके ना दिखाता हूँ, तो अभी चलते हैं घर और घर जाकर खुद खाते हैं। वहाँ से मैं क्रीम चाट ले आया हूँ, 7 चम्मच मामा लोगों को नीचे दे दिए मैंने, तो अब इसको खोलते हैं। पहले क्रीम फ्रूट चाट चेक करें, उस दिन हम जो लाए थे वो दही वाली थी, ये क्रीम वाली है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ओए 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 इतना फ्लेवरफुल है ना बनाना। इसमें ये देखें, ये फ्रूट, दूसरे टिन वाले फ्रूट्स, खजूर 200 का पूरा, ये आप देखें सिर्फ इसकी आप बाइट देखें, ये देखें ओए ओए टाइम जो है वो तकरीबन थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, अभी मेरे ख्याल में नींद का है अपनी। और मामा जो है वो अभी, मामा कैसी तबीयत आज आपकी? 50% है। तो सही है कि मुझे भी थोड़ा बहुत ना शुरू हुआ है, मतलब कि बुखार तो नहीं, मतलब कि जिसमें थोड़ा बहुत दर्द है तो वो हुआ है, तो इसलिए मैंने फिर पेनाडोल ले ली थी। लेकिन एजोमैक्स इजाफा करना है, तो एजोमैक्स जो है वो मैं ले आया था, पापा कहते हैं एजोमैक्स लिया वो लेते रहो, तो मैंने कहा पहले प्रिकॉशंस ले लें, और साथ ही मैं होम्योपैथी की दवाई साथ ले रहा हूँ, ब्रायोनिया ये ले रहा हूँ, ये हर 3 कतरे लेता हूँ मैं 2-1 घंटे बाद, ये गले की खांसी के लिए सबसे, खांसी रुक जाएगी तो बुखार भी खुद ही खत्म, ले लेता हूँ मतलब टोन करने के लिए। आ गई है, इसको अब टेस्ट चेक करते हैं, पहले इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा है। पहले से मामा बना दिया करो ना, ये देखो वाला दूध नहीं यूज़ किया, ऐसे पानी यूज़ किया वाला डब्बा, इसमें से 5 नंबर सिर्फ, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो रही है, लेकिन देखते हैं क्या सीन करना है। बाकी अपने लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, और अगर वीडियो को पसंद नहीं है तो वीडियो पसंद करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह।